पिछले कुछ दिनों से पंजाब में रुक रुक हो रही बारिश, ओले एवं तेज हवाओं ने पूरे पंजाब के किसानों को चिंता में डाल दिया है। बारिश, ओले और तेज हवाओं से पंजाब के फसल का, खासकर गेहूं की फसल का काफी नुकसान हुआ है तथा वो खराब हो चुकी है। अब किसानों को चिंता होने लगी है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश अगर हो जाती है तो उनकी फसलों का क्या होगा। मौसम विज्ञानियों की माने तो आने वाले दिनों में पंजाब में तेज हवा और बारिश होने की कोई भविष्यवाणी नहीं है। जैसे कि हमने देखा है कि 2-3 दिन से बारिश काफी रही है पूरा पंजाब में, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जिसको हम पश्चिमी चक्रवात कहते हैं उसकी वजह से ये बारिश जो विंटर्स में होती है, तो इन दिनों में हमारी जो गेहूं की मुख्य फसल है वो भी पूरी पकने पे होती है और पूरा उसका मतलब रंग बदल चुका होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इस बारिश का हम नुकसान ज़रूर होता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो। तो हमें जैसे कि प्रेडिक्शन थी कि ये 5-6 को बारिश है, उसमें मतलब हवा चलने की भी, तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है, तो हमने फार्मर्स को एडवाइस किया था कि आप जो पिछेती बिजाई वाली कनक है उसको पानी ना लगाएं। तो जिसने भी फॉलो किया है उनको मतलब कोई ज़्यादा इसमें नुकसान नहीं हुआ है। एक्चुअली ये जो प्रेडिक्शन है ये 2 दिन के लिए ही थी, जैसे कि 5th और 6th of April, और जो फर्दर जैसे कल से 7th onwards जो है वो क्लियर होने के चांसेस हैं और फर्दर ग्रेजुअली अब जो टेम्परेचर्स हैं वो भी राइज करेंगे। जागती रैग के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।